जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। महाप्रभुंकर अपार कृपा पाई अच्युत आनंद महापुरुष जो मालिका कथा को लिखिंट मालिका शास्त्र रे गोटे पर गोटे सत्य हो चली। आज आपण मानक कहबू बड़ देवल कौन आग को घटव महापुरुष अच्युत आनंद 600 वर्ष तले कौन मालिकार लिखी जे श्रीक्षेत्र एभली अनेक लीला हम जहाँ लेखा होई मालिकार महापुरुष अच्युत कहते कौन घटव बड़ देवल कले बड़ देवल पथर खसी पड़ु थर कु थर लो जाई फूल आलो जाई फूल तु ही देखिबु बेनी नेत्र जाई फूल। अच्युतानंद महापुरुष शिष्य रामदास को से दिन कही बड़ देवल पथर खसब थर कु थर पथर खसब जहाँ विगत दिन मानक आम्भे मैंने देखीचे महापुरुष अच्युत वाक्य बा मालिका केते सत्य केते मिथ्या आउ तु यह बेनी नेत्र देखिबु शिष्य रामदास को कहते रामदास केवल माध्यम मात्र करी श्री गुरु अच्युत आम्भ मानक मालिका कथा श्रवण कराई आम देखीचु खाली से नुह कहे अनेक थर हणाकुटा हो रक्तपात हम श्रीमंदिर भितर महाप्रभु रही उपास एक आम कहूनु कहे महाप्रभु दिने दिने रही उपास बाबू रही उपास महाप्रभु दिने दिने रही उपास भोग सबू पोता हेब शुण ब्रज शिष्य बाबू शुण ब्रज शिष्य कहले भोग सब पोता हेब आ महाप्रभु दिने दिने उपास रही। ये घटना मध्य आम पूर्व देखी सारीचे गोटे पर गोटे किभली भाव में सत्य हो चली भगवान सब पोता होती विदेश पशि विदेशी मैंने पशिजार भोग माराही आठ कौटी गुर्ध्र पक्षी बसवा ठू आरंभ करी आउ चिल उड़ा पर्यंत जहाँ मालिका लिखी गोटे पर गोटे ताहा घटी कौटी पताका शून्यकंठे पड़ी तो आउ कौटी बारंबार बारंबार सेवायत मान भितर गंडगोल लगी जहाँ गोटे पर गोटे महापुरुष अच्युत 600 वर्ष तल मालिका शास्त्र लिखी थे आम ताक देखी सारापर आम से पद को मिले सारापर यह सत्य होमें अनुभव कर बाकी रहा आपण मानकर 22 पावचे मीन खेल कथा सिंहासन वरुण आसवा कथा बा समुद्र माड़ी आसवा कथा महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ से दिन समुद्र गर्जन को सही पारे शारे एत जोर गर्जन है आउ यही समय भितर जगतर नाथ जगन्नाथ जी रघुनाथ से होते जगन्नाथ तो जगत प्रार्थना कला महाप्रभु को आ महाप्रभु मन पकईले भक्त को प्रभु आपण जदि न शपारे आगत कौन हम कहीं आप विश्राम नवा दरकार तेणु जगन्नाथ मन पकईले क्या हनुमान को हनुमान से कान पतईदे आ समस्त समुद्र गर्जन कान भितर प्रवेश करगला आउ यही हनुमान हो गले कान पता हनुमान आ जगन्नाथ आनंद रही किंतु महापुरुष अच्युत कहले श्री जगतर नाथ जगन्नाथ निद्रा भंग कर समुद्र माड़ आसब रत्न सिंहासन पर्यंत आउ जगत होते क्षतिग्रस्त कहीं श्रीक्षेत्र पूरीर माटी हेब जलमग्न दुईटी पर स्थान जल रे बुड़ी बोली महापुरुष अच्युत ओडिशा लिखिंट को दुईटा प गोटे हूँ पारादीप पर आउ गोटे प हूँ पूरी गोटे पटे आपण गले देखिबे अठर नला श्रीक्षेत्र पुरी आउ गोटे पटे पारादीप गले देखिबे अठर बांकी आउ गोटे पटे महासमुद्र एपटे भी महासमुद्र अर्थात आपण माने एपटे जगतर नाथ जगन्नाथ को देखिला बेले सेपटे आपण माने देखिबे से कला कोइला भितर धला छिटापड़ा कला मुह को लागिबो आपण मानको जगन्नाथ भली ए भली भावरे आपण माने जो बट सुरक्षा हवा कथा पारादीप बट गुड़िक अवहलित तो हो रत्न बट उदय बट जो सूर्य किरण प्रथम आसी जो बट उपर पड़े उदय बट पारादीप माटी इते धन्य जो माने से माटी अच्छा आउ से माने महाभाग्यवान आउ श्रीक्षेत्र माटी शंख नाभि क्षेत्र में जो माने अच्छा से माने महाभाग्यवान किंतु महापुरुष अच्युत कहते ये दुईटी प पुरी आउ पारादीप ये जलमग्न हेब आउ श्रीक्षेत्र माटी बहुत कौन हम ना हणाकुटा हेब रक्तपात हेब बोली महापुरुष अच्युत कही आउ जगन्नाथ भक्त मानकर जो प्राण महाप्रभु जगन्नाथ ज कहिले जन्मस्थल ग कहिले गर्भगंजनकारी न कहिले नरक निस्तारणकर्ता थ कहिले से सकल प्राणी थय तेणु मोर नाथ जेणु जगतर तेणु जगन्नाथ नाम गुरुंर से ही जगतर नाथ जगन्नाथ उपवास रही जो घर में मुरबी अशांति रुहती जो घर मुरबी उपवास रुहती से घर घर नुहे तेणु यह घटना अच्युत महापुरुष लिखिंट थर कु थर घटव आउ आपण मैंने एक मन रखि था
आपण माने जिते आनंद रहिबे महाप्रभु आपण को देखि सेते आनंद रहिबे। जय जगन्नाथ।